मेरी ऑर्गेनाइजेशन है पीपल्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज सेंटर, ये हमने 1992 में रजिस्टर की थी। उसके पहले करीब 20 साल मैंने अलग अलग कारखानों में काम किया और एक अशोक ऑर्गेनिक में मैंने 16 साल काम किया है, जहां हमने यूनियन ऑर्गेनाइज किया, हड़ताल किया, सस्पेंड हुए, पुलिस केस हुए, तो वो सारा झेल करके बाद में एज एक मजदूर का जो एक अधिकार है सेफ वर्क प्लेस के लिए, तो उसके लिए हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो कई क्षेत्र में जो भी जोखिम है उसके बारे में जो भी हमारे अनुभव रहे उसको यहाँ साझा करूँगा। ये आपको किताब दी गई है, गुजराती में भी दी है, शायद अंग्रेजी में भी दिया होगा, तो वो प्रयास ने हमारे साथ रह करके ये तैयार करवाया। तो तब तक यहाँ कड़ी में 122 जीन थे, हो सकता है आज बड़े होंगे। उसमें एक अंदाजा ये था कि 80 से 90 हज़ार मजदूर काम करते होंगे और ये 8 साल में ये आंकड़ा भी बड़ा होगा। ये गुजरात जीनिंग एंड अदर मिल वर्कर्स यूनियन जो रजिस्टर की थी, उन्होंने 105 एक्सीडेंट्स की एक लिस्ट तैयार की थी। उसमें करीब 18 फैटल एक्सीडेंट्स थे और 87 नॉन फैटल एक्सीडेंट्स थे, और जो फैटल थे उसमें मेरे ख्याल से 8 तो वो रोड एक्सीडेंट के थे कि लोग काम पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, कुछ ट्रक पलट गई और कुछ मजदूर मारे गए। और उसके जो विक्टिम्स थे, जो अभी जिंदा थे और कुछ फैकल्टी थे, उनके भी घर जा करके, मोस्ट ऑफ देम वो साउथ राजस्थान के थे, तो साउथ राजस्थान के झाड़ोल और अलग अलग क्षेत्र में जा करके हमने लोगों से मिल करके ये 17 केस स्टडीज तैयार की जो इस पुस्तक में रखी गई है। ये जो 105 एक्सीडेंट्स हुए वो 7 साल के पीरियड में हुए थे, 2003 से लेकर के 2009 तक, और उसमें 37 एक्सीडेंट्स के बारे में कब हुए उसका पता नहीं चला था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। 105 में से 2 केस ऐसे थे जो वो सेक्सुअल अब्यूज के थे, और उसमें एक में विक्टिम का डेथ हो चुका था, लेकिन डेथ क्यों और कैसे हुआ उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। 4 जो केसेस थे वो एस्फिक्शियन से थे, यानी गुजराती में अपने गुंगरामन कहिए, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं मेरे को, कि ऑक्सीजन ना मिलना उसके चलते मृत्यु हो गई थी। ये जो आपको चित्र दिखाई देता है उसमें ये जो कॉटन सीड को अलग करते हैं वो कॉटन सीड जमा होते हैं और ये कारखाने के बाहर उसको कलेक्ट किया जाता है, और ये ट्रैक्टर ट्रॉली है, ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर ये ऐसे दीवार बना दी गई है ताकि बहुत सारे ज़्यादा कॉटन सीड्स को तुम इकट्ठा कर पाओगे। तो उसमें पूरी रात भर ये प्रोसेस चलती है, सीड गिरते रहते हैं, तो उसके अंदर जो हीट होता है वो हीट को ठीक करने के लिए अंदर एक आदमी को बिठाया जाता है ताकि वो बार बार उसको फ्लैट करता रहे, हीट होने ना दे। तो वो काम में कोई ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, तो छोटे बच्चों को रख देते हैं, और छोटा बच्चा रात को अकेला है, अंधेरा है, जहाँ और कोई एक्टिविटी नहीं है, नींद भी आ जाएगी, वो सो भी पड़ा तो वो सो जाता है, उसके ऊपर वो गिरता रहता है और फिर उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वो एक्सफिक्शियन से डेथ हो जाती है। और ऐसा भी पता चला कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है लड़का, और वो जो सिर इकट्ठा हो गए उसको फिर जो ऑयल मिल है उसको बेच दिया जाता है, तो वो ऑयल मिल में जब खाली करते हैं तब उसकी डेड बॉडी गिरती है और तब पता चलता है। अच्छा, तो ऐसी घटनाएं इसमें सामने आई है। उसमें कुछ बंस के एक्सीडेंट थे, फिर बेल्ट में ट्रैप होने के चलते डेथ हो गई, ऐसे भी थे, और 6 केस ऐसे थे जिसमें पता नहीं चला कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कैसे मरा। हाँ, हमें ऐसे ऐसे केसेस मिले जहाँ एम्पुटेशन हो गई थी कि पूरा हाथ चला गया है या था अंगूठा चला गया है। जो 18 मृत्यु हुई उनमें से 11 महिलाएं थी और 7 पुरुष थे।
उनमें से जो आठ थे वो 12 से 15 साल के थे और 16 से 18 के बीच में एक था और 18 से ज़्यादा कैटेगरी में एक ही था. सॉरी, एट वेयर इन द एज ग्रुप 12-15, थ्री इन 16-18. तो 12 से 15 में आठ थे, 16 से 18 की उम्र वाले तीन थे और 18 से ऊपर एक ही था. तो ये डेमोग्राफी बताता है कि किस तरह के मजदूर इसमें आते हैं और किनको झेलना पड़ता है, जो गाँव के एक एक्सपीरियंस लोग हैं और छोटी उम्र के हैं जिनको ज़्यादा अनुभव नहीं है. छः किस्म के लिए कोई जानकारी नहीं थी. जो 18 मौत हुई उनमें से 15 राजस्थान के थे, दो गुजरात के और एक यूपी के थे और उनमें से 45% कड़ी में हुए थे और तीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो सारे थे गुजरात के अलग अलग जिलों में हुए थे. अब मैं यहाँ एक कोरल फार्मा करके एक फैक्ट्री है उसके बारे में बताना चाहूँगा. कोरल फार्मा है, मारुति है, विक्रम फार्मो है और श्री केमिकल्स है. शायद श्री केमिकल्स गांधीनगर में है और तीनों यहाँ कड़ी में है. ये है वो पोली एक्रिलेट नाम का केमिकल बनाती है और जो कोरल है वो क्लेम करती है कि वो ISO 9000 कंपनी है. उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो 35 देशों में निर्यात होती है और करीब उसका 60% जो प्रोडक्शन है वो निर्यात होता है. तो जैसे वो निर्यात के लिए ही सारा बनाते हैं और पोलियो क्लिनिक है, उसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह यूज होता है. टॉयलेट रूम में यूज होता है, खासतौर पर सैनिटरी नेपकिन में भी उसका यूज होता है क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल है. तो हमको एक अहमदाबाद से डॉक्टर ने फोन करके और ईमेल करके जानकारी दी कि मेरे पास एक पेशेंट है जो 25 साल की महिला है, उसके फेफड़े दोनों खराब हो चुके हैं और वो बहुत गरीब महिला है और उसको मदद की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनको मदद कीजिए. तो मदद की बात आई तो हम थोड़ा पीछे हट गए कि कैसे मदद करे, क्या करे. और मदद वाली बात जो फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग जो हर लड़ाई के लिए लड़ते हैं उसमें आर्थिक मदद के लिए ज़्यादा संभावना नहीं रहती है. फिर और कुछ दबाव आया हमारे ऊपर कि आप नहीं करोगे तो ये काम कोई नहीं करेगा वगैरह वगैरह. तो हमने सोचा कि चलो भी जा कर के देखे. तो मैं यहाँ कड़ी आया, बहन भाई को साथ में लिया और उस महिला का गाँव पास में ही था तो हम गए. तो उस टाइम महिला ऑलमोस्ट उसके मृत्यु शैया पे थी, ऑक्सीजन चालू था और वो बहुत मुश्किल से बोल पाती थी और उसका पति कारपेंटर था, सुथार था और कड़ी में उसकी दुकान थी, लेकिन उसको दुकान बंद कर देनी पड़ी थी क्योंकि अपने बीवी के देखभाल के लिए. तो वो पूरा धंधा बंद करके बीवी की सेवा में लगा था. बहुत हालात खराब थी, उसने बहुत खर्चा भी कर लिया था. तो वो महिला ने सिर्फ 4-5 महीने काम किया था और वो जो ग्राइंडर बोलते हैं ग्राइंडर पे काम करती थी जहाँ बहुत ही धूल उड़ती है और बाद में वो पैकिंग करती थी. और बाद में उससे बात किया तो उसने बोला कि एक महिला तो ऑलरेडी मर चुकी है जो उसके साथ काम करती थी और तीसरी महिला है वो अभी बीमार है. तो फिर हम वो दूसरी महिला के पास गए, वो इतनी बीमार नहीं थी लेकिन उसको सांस फूलती थी, लेकिन वो बेड रिडन नहीं थी. उसने हमें और ज़्यादा जानकारी दी कि वहाँ मिनिमम वेज भी नहीं मिल रहे हैं, 10 घंटे काम करवाते हैं और शाम को जब निकलते हैं तो पूरा शरीर खराब हो जाता है, लेकिन वो हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं देते हैं. तो जो कंपनी इतनी निर्यात करती है 35 देशों में, वो साबुन भी वर्कर को नहीं देती है, मिनिमम वेज नहीं देती है. तो किसी कानून का जो मजदूर कानून है उसका कोई हमें लगा नहीं कि ये कोई पालन करती है. और फिर उसने बताया कि और भी 3-4 लोग हैं जो बीमार है. तो ये क्लस्टर मिला. क्लस्टर उसे कहते हैं कि एक ही कारखाने में एक जैसी स्थिति में जब ज़्यादा मजदूर को एक सी बीमारी है तो उसे क्लस्टर कहते हैं. और वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में एक बहुत वो एक रखता है
कि जब हमें क्लस्टर मिलती है देन इट इज एन एविडेंस इटसेल्फ कि उसमें फिर कोई शंका नहीं रहती है कि ये क्यों हुआ, तो उसी के चलते ये हुआ है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। तो फिर हमने उन सारों को मिले और बाद में हमने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को हमने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ किया और उसमें हमने साथ में वो एक्सपर्ट को भी बुलाया था, साथ में विक्टिम्स को भी साथ में रखा था, तो मीडिया के लिए एक अच्छा बात हो गया तो ये सबके साथ वो बात कर पाए और हम जो क्लेम अपने रिपोर्ट में कर रहे थे उसको कन्फर्म कर पाए। तो एक अच्छा हमको कवरेज मिला और बाद में हमने गुजरात हाईकोर्ट को चिट्ठी डाली जिसमें हमने सारे क्लिपिंग्स वगैरह डाले, तो गुजरात हाईकोर्ट ने एक सुओ मोटो PIL फाइल कर दिया और नोटिस निकाले। और हमें तब ये सारा पता नहीं था, मारुति विक्रम थर्मो उषारवा में कोई पता नहीं था, हमें सिर्फ कोरल का पता था। और पोलियोपिलेट के हजार के बारे में जब हमने लिटरेचर में छानबीन की तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, लेकिन वो एक्सपर्ट ने कुछ छानबीन करके निकाला था कि चाइना में एक ऐसा हुआ था कि जहाँ पोलियोपिलेट मैन्युफैक्चरिंग में 7 महिलाओं की डेथ हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो हाईकोर्ट में जब ये PIL हुई तो कुछ महीनों के बाद हम भी एज ए रिस्पोंडेंट वहाँ उसमें जुड़ गए और हमने भी एफिडेविट्स वगैरह फाइल किया। हाईकोर्ट ने एक हाईकोर्ट का मित्र एक अपॉइंट किया एक बड़े वकील को, शालीन मेहता को, और NIOH नेशनल स्टॉप ऑक्यूपेशन हेल्थ को ऑर्डर किया कि वो सभी मर्कर्स की हेल्थ चेकअप करे। और वो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये बात आई कि कुछ 17 वर्कर्स को फेफड़ों की बीमारी थी और कुछ 14-15 वर्कर्स को लीवर की बीमारी थी। अभी हाईकोर्ट ने कभी ये नहीं किया कि वहाँ इंडस्ट्रियल हाइजीन स्टडी किया जाए। यदि इंडस्ट्रियल हाइजीन स्टडी की ऑर्डर होती तो हमें पता चलता कि वो कंटेंट क्या है डस्ट में और डस्ट पार्टिकल की साइज क्या है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चूक हो गई कि हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर नहीं किया। और हाईकोर्ट ने ये भी नहीं ऑर्डर में किया कि इन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए। तो जो लीवर की प्रॉब्लम आई वो लीवर की प्रॉब्लम किसके चलते हुई, कौन से केमिकल्स थे रिस्पॉन्सिबल, वो बात भी सामने नहीं आ पाई। तो काफ़ी सारी ये हुई, लेकिन उसके चलते कंपनी को लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाना पड़ा और वहाँ NIOH ने कंफर्म किया कि सिस्टम लग गई है और अब सब ठीक है, लेकिन वो जब ठीक है उसके भी कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं किए गए कि उन्होंने अभी कभी टेस्ट नहीं किए या तो डस्ट लेवल्स नहीं देखे। तो हाईकोर्ट में जाने के बावजूद भी हाईकोर्ट ने कंपनसेशन के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया और उसमें ये विक्रम थर्मो वगैरह सारे की जो और फैक्ट्रीज थी जो सेम प्रोडक्ट बनाती थी उसके बारे में बात हुई। फिर हमने डीजी फसली को भी लिखा कि भाई ये प्रोडक्ट भारत में और भी कहीं बनती होगी एक बात, और दूसरा कि इसके कंज्यूमर जो होंगे जो खरीदने वाले लोग होंगे, जैसे कोई सैनिटरी नेपकिन बनाने वाला कंपनी है वो खरीदता है तो उस एंड पे भी वर्कर्स को एक्सपोजर होती होगी और वहाँ भी कुछ करना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ बात आगे नहीं हुई। ये जो फोटो है वो दोनों की डेथ हो चुकी है, ये विपुल दर्जी है वो अलका ठाकुर है, और अलका ठाकुर के घर हम जब गए तो उसके परिवार ने मेडिकल के सारे पेपर चला दिए थे क्योंकि उसकी माँ जब भी वो पेपर देखती थी वो बेटी को याद करके रोती थी। तो बेटे ने कहा कि माँ तू जब तक ये देखती रहेगी तो रोती रहेगी, तो इसको ही चला दो। तो हम जब गए तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमको ये बताया गया कि उसको TB के लिए ट्रीट किया जाता था और कहीं भी किसी डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि ये काम के चलते डस्ट के चलते ये बीमारी लगी हुई है। तो ये नैना बहन मिस्त्री है जिसको हम सबसे पहले मिले, जिसके बारे में डॉक्टर ने हमें जानकारी दी थी। फिर 26 साल का भगत पशुभा पटेल था, उसकी भी अक्टूबर 11 में डेथ हो गई, उसने भी यही काम किया, वो 26 साल का था। फिर मेरे नीचे नीलम राजगोर की जो फोटो है
अहमदाबाद के, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदना पड़ेगा। तो उसके पति ने पूछा कि वो क्या होता है, तो वो मशीन होती है और वो 50,000 की आती है। अब उसका पति बेचारा बिहारी मजदूर था, वो 50,000 सुन के ही सुन्ना हो गया कि 50,000 रुपये में लाऊंगा कहाँ से। और फिर वो घर आया बीवी को लेकर के, फिर जब बीवी को अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले जाने के टाइम वो साथ में नहीं गया एम्बुलेंस में, उसने बोला कि आप ले जाइए मैं पीछे से आता हूँ, और वो कैनाल पे जा करके उसने सुसाइड कमिट कर दिया। और उसके बाद पता चला कि उसने तो ये 50,000 का सुन के उसने आत्महत्या कर ली कि मैं अपने बीवी को बचा नहीं पाऊंगा। और उसके कुछ दिन के बाद नीलम की भी डेथ हो गई, तो उन दोनों को एक छोटा बच्चा भी था जो अभी वो उसका भाई गणेश भाई थे वो पाल रहे थे। तो इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। आज मुझे पता नहीं कि आज वहाँ हालात क्या है। यहाँ मैं सुनता हूँ कि दो वर्कर्स हैं कोरल से, और उनमें से एक लड़का कौन था यहाँ कोरल से है, जरा कराइए ना। हाँ अभी इसने मेरे को बताया कि वो कोरल में काम करता है और वो 10 दिन से छुट्टी पे है क्योंकि उसको भी बीमारी लग चुकी है। हाँ तो बैठ जाइए, थैंक यू। तो इतनी खतरनाक बीमारी के बारे में, काम के जोखिम के बारे में कंपनियां बताती नहीं है, और वो जानकारी देना कानूनन है। अब मैं आता हूँ सिलिकोसिस, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, वो सिलिका फेफड़े में जाने से होती है और बहुत सारे ऑक्यूपेशन में है ये। और ज्यादातर डॉक्टर टीबी लिख देते हैं, डॉक्टर सिलिकोसिस लिखते नहीं है, या तो डॉक्टर को जानकारी नहीं है या तो डॉक्टर को मजदूर बोल नहीं पाता है कि मैं सिलिका में काम करता हूँ, क्योंकि मजदूर को भी पता नहीं होता कि वो पाउडर बोलता है, पाउडर क्या है उसको पता नहीं है। तो डॉक्टर को वो हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक्सरे से ही उसका निदान होता है, और 15 अलग अलग डिसीजेज में एक्सरे समान दिखता है। तो जब तक ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री नहीं दी जाती डॉक्टर ठीक से बोल नहीं पाता है। तो ग्लास और सिरामिक फैक्ट्रियां यहाँ कड़ी में बहुत है और उसमें ये जोखिम है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 2006 से एक PIL की सुनवाई हो रही है जो पूरे भारत में सिलिकोसिस को लेकर के, और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग कमेटियों का गठन किया जिसको बोला गया कि पूरे भारत में स्टेटस क्या है सिलिकोसिस का, उसका रिपोर्ट देना है। तो वो दोनों कमेटियां गुजरात आई थी और वो दोनों कमेटियां ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की है। अभी अभी मेरे पास उस रिपोर्ट की कॉपी आई है और उसमें मैंने पूरा देखा तो एक ही रिपोर्ट ने 39 वर्कर्स की लिस्ट दी है कि ये 39 वर्कर्स जो है वो सिलिकोसिस से ग्रस्त है, और उसमें से एक मजदूर कड़ी के सेरा सिरामिक का है। अभी ये जो सिरामिक का एक वर्कर का उसने दिखाया है, उसका मतलब है कि बहुत सारे होंगे। मेजोरिटी वर्कर्स क्या क्या होता है कि जब बीमार हो जाते हैं तो हम काम छोड़ देते हैं, काम ही नहीं कर पाते हैं। और ये जो सारा सर्वे हुआ है वो तो कारखानों के अंदर अभी जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स का हुआ है, जिसने काम छोड़ दिया घर पे गए बीमार हो गए उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। तो ये दिखाता है कि कारखानों के अंदर परिस्थिति बहुत ही खराब है, पोल्यूशन है, प्रदूषण है, और वो प्रदूषण के चलते बीमारियां होती है, और इतनी खतरनाक बीमारी, मजदूर घर चला गया होगा, वो घर में मर गया होगा, किसी को पता चलने वाला नहीं है। और ये सारी बीमारियां ऐसी है जिसके बारे में कानून में मुआवजा मिलने का अधिकार मजदूर को है, ईएसआई एक्ट के तहत है और WC एक्ट के तहत है। लेकिन इवन बहुत सारे यूनियंस को भी ये जानकारी नहीं होती है, वर्कर को इतना पता है कि उंगली कट गई तो मुआवजा मिलता है, लेकिन तुम्हारे कान चले गए, बहरापन हो गया,
आवाज कहाँ नहीं होती है, कौन सा कारखाना ऐसा कि जहाँ आवाज नहीं है, तो जहाँ बहुत शोर है आवाज है उसके चलते कान खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है। तो इन सारों के लिए कानून में मुआवजा का प्रावधान है और उसके लिए हम सबको ऐसे जो पीड़ित हैं उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको ये हक दिलवाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा सुझाव ये है कि कड़ी क्षेत्र में एक मैपिंग होनी चाहिए कि कितने कारखाने हैं, कौन से हैं, उसमें क्या बनते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या है, प्रोसेस क्या है, और उतना करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हम उसमें से ये पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन से जोखिम है और उन जोखिमों से कौन से ऑक्यूपेशनल डिसीज होने की संभावना है, और फिर हमें एक्चुअल विक्टिम्स को लोकेट करने का काम करने में आसानी हो जाएगी। अभी क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी बातें हो रही हैं और उसमें से वो क्लाइमेट चेंज के चलते भी बहुत सारी बीमारियां आगे होने वाली हैं मजदूरों को। अभी यूनाइटेड नेशंस के जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो भी हमें ध्यान में रखना है कि उनमें से हमें कौन से लागू होते हैं, और है ILO जो है अभी डिसेंट वर्क को प्रमोट करती है, तो डिसेंट वर्क क्या है, डिसेंट वर्क के तहत क्या क्या प्रोग्राम्स है ILO के और भारत सरकार के, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा, हमारी मांग उसको मद्देनजर रख करके करना होगा। और WHO का एक डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर ऑल, एक 1978 का WHO का था कि हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000, वो कुछ लोगों को पता होगा। तो हेल्थ फॉर ऑल की तरह उसके उसी में ऑक्यूपेशनल हेल्थ फॉर ऑल उसकी भी बात WHO ने कही है, वो कुछ कुछ देशों ने वो भी किया है। अभी हम ILO का जो कन्वेंशन 155 है वो भारत ने रेटिफाई नहीं किया है, उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। गुजरात में हमने एक पत्रिका निकाली है, वहाँ रखी है, सभी को लेने की भी यह है, गुजराती में है, और भी हमने छोटी बुकलेट निकाली है जो यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अलग अलग कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन से रोग हो सकते हैं और कौन से रोग में कौन सा नोटिफाइबल रोग है, कौन सा कॉम्पेटेबल रोग है, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में अलग लिस्ट है नोटिफाइबल की कि जिस किसी भी डॉक्टर को ये पता चले उसको वो नोटिफाई करना है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसके चलते अपने देश में ऑक्यूपेशनल डिसीज के डेटा ही नहीं है। तो और मैं अभी जब देखता हूँ कि आज से 100 साल पहले अमेरिका में ऑक्यूपेशनल कैंसर के बारे में किताबें निकलती थी, आज 100 साल के बाद भी हमारे यहाँ वो बातें नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये सारा काम है जो हम कर सकते हैं, खासतौर से मैपिंग का।